हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं आपका रिकी कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक वीडियो लेकर के। आज इस एक्टर के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, और यदि आप भी बचपन में 90s के समय में अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके इस हिट शो को देखते रहे होंगे तो आपको जतिन कनकिया केशव कुलकर्णी के बारे में ज़रूर मालूम होगा। केशव कुलकर्णी उनका इस शो में नाम था और लोग उस समय इनको इसी नाम से जानते थे। दोस्तों, जतिन कनकिया का जन्म मुंबई में ही हुआ था और वो बहुत ही मजे हुए एक्टर थे। कॉमेडी के जगत का तो उनको बादशाह ही मानते थे। और वैसे तो जतिन कनकिया को कोई ना जानता हो ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है जहाँ तक, हर कोई इनको जानता है। और ये उस समय के दोस्तों अपने कहना चाहिए जमाने के बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांडिंग एक्टर थे। हर कोई इनके साथ में काम करना चाहता था। टीवी जगत के तो कहना चाहिए कॉमेडी शोज़ के तो बादशाह ही थे, और हर कोई ये चाहता था कि उनके शो में इनकी एक झलक दिख जाए, एक अपेयरेंस मतलब इनका आ जाए तो हमारे TRPs बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा उस समय हुआ करता था। उस समय और कुछ तो था नहीं, लोग इसी तरह से अपने TRPs बढ़ाते थे टेलीविज़न में, जैसे आज यूट्यूब पर ये व्यूज़ बढ़ाने का काम होता है ना कि इस चीज़ को दिखा दें या ऐसा चीज़ कर दें तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो उस समय के जतिन कनकिया ऐसे एक्टर थे जिसको कि हर कोई चाहता था कि हमारे शो में आ जाएं। उनके पास काम इतना था कि वो हर शो में शायद जा नहीं पाते थे, इसीलिए कुछ कॉमेडी शोज़ में उनके कुछ एपिसोड्स थे जिसमें वो आते थे, अपेयरेंस देते थे, बीच में एक्ट करते थे, इस तरह से इनको यूज़ किया जाता था। चोरी क्या होती है? बेटे, किसी की चीज़ को पूछे बगैर उठा लेना उसे चोरी कहते हैं। अभी आपने मेरी चॉकलेट खाई ना, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप। और दोस्तों, जतिन कनकिया सिर्फ टीवी में ही नहीं बल्कि मूवीज़ में भी आते थे। काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने भी की हैं। ये केवल टीवी के स्टार नहीं थे बल्कि मूवी के भी काफ़ी जाने माने कॉमेडियन इनको कह सकते हैं आप। इनके सीरियल और शो की लिस्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन श्रीमान श्रीमती को सभी लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा उस सीरियल को देखा गया है। कई बार वो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था, यहाँ तक कि इस सीरियल की नकल में कुछ एक सीरियल भी बिल्कुल बनाए गए थे सेम टू सेम, लेकिन वो सीरियल बिल्कुल भी नहीं चले, बुरी तरह से फ्लॉप हुए, क्योंकि वो फील ही नहीं आया, किसी को मज़ा ही नहीं आया। और उन शोज़ को हिट कराने के लिए यहाँ तक षड्यंत्र रचा गया था कि यूट्यूब पर श्रीमान श्रीमती के सारे जो पुराने सीरियल के एपिसोड थे उनको हटवा दिया गया था, ये सोच करके कि पब्लिक के पास में ऑप्शन नहीं रहेगा, वरना पब्लिक इसी को देखती है, उसको देख करके फिर इसमें आ जाती थी, तो इसलिए इस चीज़ को उन लोगों ने ये किया था। लेकिन फिर भी वो पैतरा काम नहीं आया। जतिन कनकिया का कहना चाहिए इसमें कोई जोड़ नहीं, कोई टक्कर नहीं है जो उस चीज़ को मतलब रिप्लेस कर सके। चिकन चाव चाव, मटन पापा, काका नूडल्स, काका नूडल्स, मंचूरियन स्पेशल, टू राइस प्लेट्स। पैसा, यानी कि पैसे गिर गए। एक्सक्यूज मी चेचू, माय फ्रेंड चेचू, मुझे चेक बताओ जी। यहाँ का तुम्हारी होटल का बिल अगर मैंने नहीं भरा तो तुम क्या कर लोगे? दोस्तों, जतिन कनकिया अपने बहुत ही कम एज में बहुत ही बड़ी उपलब्धि को हासिल कर चुके थे। मतलब ऐसा जल्दी से किसी के साथ होता नहीं, पर वो इस मामले में बहुत लकी थे कि उनको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई थी। आपकी भोजन साफ करवा के आपको चीनी बना दिया जाएगा। देख रहे हो ना, इस होटल में मैं भी एक बार अपने पड़ोसन को यहाँ लेके आया था। Choo-choo.
नितिन कनकिया के शो लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला नाम श्रीमान श्रीमती का आता है, दूसरा नाम आता है हम पांच का, फिर एक सीरियल और आता था मिसेस माधुरी दीक्षित, उसमें भी यतिन कनकिया का एक तरह से कहना चाहिए एक अच्छा खासा रोल था, पेरेंट्स तो नहीं था पर एक तरह से कहना चाहिए मेन रोल जैसा ही था वो, या ये कह सकते हैं कि उसको बाद में मेन रोल बना दिया गया था क्योंकि उनकी वजह से वो शो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, उनकी कॉमेडी की वजह से काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। इसके अलावा उनका एक और शो था जो काफ़ी पॉपुलर रहा है जिसका नाम था हम सब एक हैं। तो इस तरह से दोस्तों जतिन कनकिया जो हैं अपने फैंस का मन मोहते रहे हैं शुरू से ही, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस मामले में ये हुआ, ये कहना चाहिए एक तरह से टेलीविज़न का बहुत बड़ा लॉस हुआ था इस वजह से, क्योंकि जतिन कनकिया जैसे जो एक्टर हैं एक तो जल्दी से मिलते नहीं और मिल जाते हैं तो फिर आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, लेकिन उस समय हुआ ये कि जतिन कनकिया जो सबको हंसाते थे, दिलों पर छा गए थे, राज कर रहे थे, अचानक से उनको एक दिन एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली एज में जतिन कनकिया का निधन हो गया था। आज ये हमारे बीच में नहीं है लेकिन इनकी जो पुरानी यादें हैं, जो इनके शो हैं, वो हम देख करके आज भी उस ज़माने में पहुंच जाते हैं और वो फील करते हैं। और सुनने में ये भी आया दोस्तों कि जब जतिन कनकिया को उनके बीमारी के बारे में पता लगा था तब भी उन्होंने अपने किसी भी प्रोग्राम को रोका नहीं था, जिस पर भी जो भी प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे वो करते रहे। मानना पड़ेगा एक कलाकार बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, वरना आदमी को यदि अपनी बीमारी के बारे में पता लगे तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जतिन कनकिया ऐसे में भी कॉमेडी कर रहे थे, वरना किसी को ज़रा सा कुछ होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और इसके बारे में जतिन कनकिया ने कहीं कभी किसी को पता भी नहीं लगने दिया, और तो और कैमरा जिसको कोई धोखा नहीं दे पाता उस चीज़ को भी उन्होंने धोखा दे दिया। ये कैमरा जो है ना दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें पकड़ता है, अगर ज़रा सा भी आपको टेंशन है, ज़रा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आप ठीक से सोए नहीं हैं, वो सारी चीज़ें ये कैमरा पकड़ लेता है, भले आप ऐसे देखेंगे तो नहीं पता लगेगा, लेकिन उस समय इस चीज़ को भी धोखा दे देना। आखिरी तक जतिन कनकिया जैसे थे वैसे ही रहे, उसी तरह से काम करते रहे, उसी फ्लो में काम करते रहे। जतिन कनकिया कुछ फिल्मों में और कुछ टेलीविज़न के शोज़ में उस समय भी काम कर ही रहे थे, फिर अचानक 1999 में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद से फिर जिस सीरियल में वो काम कर रहे थे उसमें उनकी जगह किसी और ने ले ली। जो मूवीज़ में वो काम कर रहे थे, एक मुझे याद है मूवी संजय दत्त की खूबसूरत एक फिल्म आई थी उसमें जतिन कनकिया थे, लेकिन बाद में उसमें वो नहीं दिखे। तो उस समय तो उस दौर में ये सब मालूम नहीं था, उस समय तक ये बातें पता नहीं थी, ये सब जब इंटरनेट ने तेज़ी पकड़ी, हम सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स आए, तब जा करके हमको ये सब चीज़ें पता लगी कि क्या हुआ कैसे हुआ, और हम लोग ये सोचते थे कि ये एक्टर कहाँ गया। सीधी सी बात है, आपको कोई दिखेगा नहीं, आप यही सोचोगे कि वो एक्टर गया कहाँ। हम लोग अक्सर यही सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी अप्रिय घटना उसके साथ घट गई हो। चलिए आशा करते हैं आपको ये एपिसोड भी हमारा अच्छा लगा होगा, हालांकि सबने बताया है लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ लोग कभी कभी नहीं जान पाते हैं, जैसे कि उनको पता ही नहीं होता क्या हुआ था कैसे हुआ था, तो उनके लिए काम आ जाएगी। और नहीं तो भी हमारा चैनल है एक्टिंग इज माई लव, तो जहाँ एक्टिंग है वहाँ लव है, जहाँ लव है वहाँ ऐसे एक्टरों से तो लव होगा ही, इसलिए हम हर ऐसे एक्टर के बारे में बात करते हैं। खुद को भी है एक्टिंग का शौक, लेकिन काश ऐसे एक्टरों के साथ में काम करने का मौका मिलता तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक कीजिए इंतज़ार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, क्योंकि ये ही चीज़ एक है जो हम लोगों को हौसला देती है, वरना तो, इसीलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।